अमरनाथ यात्रा की शुरुआत दोबारा हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण स्थगित रहने के बाद पंचतरणी और शेषनाग आधार शिविरों से फिर से यात्रा शुरू करने की अनुमति दे दी गई। अधिकारियों ने बताया कि अमरनाथ गुफा के आसपास आसमान साफ दिखने के बाद गुफा मंदिर के द्वार खोल दिए गए और वहां फंसे श्रद्धालुओं को दक्षिण कश्मीर के हिमालय में प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन की अनुमति दे दी गई। घाटी में भारी बारिश के कारण फंसे 700 से अधिक अमरनाथ यात्रियों को सेना ने अनंतनाग जिले के काजीकुंड स्थित अपने शिविर में शरण दी थी। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले दिन में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहने के कारण जम्मू से श्रद्धालुओं के किसी नए जत्थे को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई थी। अधिकारियों के मुताबिक राजमार्ग पर यातायात बहाल करने के प्रयास जारी हैं, जो भूस्खलन की कई घटनाओं के कारण बंद हैं। रामबन जिले में भूस्खलन के कारण करीब 40 मीटर सड़क धस गई, जिससे वहां 3,500 से अधिक वाहन फंसे थे। यातायात विभाग के एक अधिकारी ने कहा, भूस्खलन के मलबे को हटाने और पुराने मार्ग से होकर पंथियाल सुरंग के पास की क्षतिग्रस्त सड़क पर पहुंचकर उसकी मरम्मत करने का काम जारी है। पंथियाल में पर्वतीय क्षेत्र से गुजरने वाले राजमार्ग पर पर्वतों से लगातार चट्टाने गिरने के कारण यातायात बहाली के कार्य में बाधा आ रही है। अधिकारियों के मुताबिक सड़क यातायात योग्य बनने के बाद फंसे हुए वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर निकाला जाएगा और फिर जम्मू एवं श्रीनगर से नए वाहनों की आने की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें, दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंदिर की 62 दिवसीय वार्षिक तीर्थ यात्रा 1 जुलाई को अनंतनाग जिले के पहलगाम और गांधरबल जिले के बालटाल से शुरू हुई, जो कि 31 अगस्त को समाप्त होगी। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहे धर्म संवाद। मैथिता मिश्री, धन्यवाद।